नमस्कार मित्रों, तोतला जी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आज आपके साथ विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हूं। जी हां, दो साल शैक्षणिक जगत में एक ठहराव सा आ गया है। कोविड संक्रमण के कारण पिछले साल भी परीक्षाएं कैसी ली जाएं, बच्चे कैसे आएंगे, सेंटर में कैसे बैठेंगे, बच्चों का जब आंबड़ा होगा तो फिर जनरल प्रमोशन की बात हुई, ओपन बुक एग्जाम की बात हुई, और इस साल फरवरी से जो सेकंड वेव चालू हुई थी उसके कारण फिर इस साल, पिछले साल तो कुछ परीक्षाएं हो गई थी ऑफलाइन मोड में, लेकिन इस साल तो एक भी परीक्षाएं नहीं हुई और विद्यार्थियों को मन महसूस के रहना पड़ा। अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उनको मौका ही नहीं मिला। दूसरी चीज, उसके बाद भी वक्त कभी रुकता नहीं, वक्त कभी ठहरता नहीं है, वक्त अपने हिसाब से चलता रहता है। ओपन बुक एग्जाम हुआ, जनरल प्रमोशन हुआ दिया गया, ऐसे करके 10th 12th और कॉलेजेस के एग्जाम हुए। विद्यार्थी के जीवन में 12th के बाद हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, हालांकि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है, नए पैटर्न पे आया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, जो 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स था वो 4 साल हो गया। 4 साल में भी पहले साल में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में डिप्लोमा पत्रोपाधि, तीसरे साल में आपको डिग्री मिलेगी और चौथे साल में आप रिसर्च करेंगे तो आपको फिर पीजी के लिए पात्रता मिलेगी। ये उनका कैटेगरी, मतलब आप बीच बीच में कहीं भी किसी भी प्रकार के कोर्स कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 12th पास करने के बाद 3 कैटेगरी होती हैं 12th में। 12वीं की परीक्षा जो उत्तीर्ण करता है छात्र, एक कला संकाय से करता है, दूसरा वाणिज्य से करता है कॉमर्स, और तीसरा साइंस फैकल्टी से। अब बच्चे के सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा होता है कि वो कौन से इंस्टीट्यूट को चुने जहां उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले। हर प्रदेश की यही हालत है, हर शहर की यही हालत है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं नामी ग्रामी, लेकिन वहां पहुंचना आम छात्र के बस की बात नहीं। इसके अलावा जो छोटे मध्यम श्रेणी के इंस्टीट्यूट हैं या कॉलेज हैं, संस्थान हैं, वो उतने क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाते, और कागजों पे कुकर मुत्ते की तरह उगे हुए जो संस्थान हैं वहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं। तो मेरा विद्यार्थियों से है कि आपको चुनाव आपका जोखिम भरा है, आपको क्या चुनना है। ये जो आज के दौर में एजुकेशन सेक्टर में निरंतर बदलाव हो रहे हैं, दुनिया बदल रही है, शिक्षा भी में भी बदलाव जरूरी है, इसलिए आपको बदलते परिवेश में शिक्षा ग्रहण करना है। ये एक जोखिम, बहुत बड़ा जोखिम है, रिस्क है, जो हो सकता है कि वो आपकी पसंद का ना हो, क्योंकि आप जहां रह रहे हैं आपके परिवार की जो स्थिति उसके अनुरूप आपको शिक्षा लेना है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते कुछ हैं और करना कुछ पड़ता है। इसलिए आप अपनी पसंद का जोखिम उठाइए, और अपनी पसंद के इंस्टीट्यूट ना मिलने के बाद भी आप कहीं और भी साधनों के माध्यम से अपनी शिक्षा को पूर्ण करें। आपने देखा होगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का चुनाव कॉलेज में घुसते ही बच्चे के लिए बहुत अहम हो जाता है। अब साइंस स्ट्रीम वाले के पास 3-4 ऑप्शन रहते हैं। बायो साइंस वाला मेडिकल साइंस में जा सकता है, तो उसमें नर्सिंग है, आपके वेटनरी साइंस है, मेडिकल है, ये अलग अलग आयुर्वेदिक है, 3-4 फील्ड हो जाते हैं। और नहीं है तो बीएससी करके, बायो के साथ बीएससी करके फिर वो फार्मासिस्ट वगैरह बन सकता है। इंजीनियरिंग लाइन वाला जो मैथमेटिक्स वाला रहता है वो इंजीनियरिंग लाइन में जाता है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकता है। इंजीनियरिंग में भी बहुत सी ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, कंप्यूटर है, मैकेनिकल है, फार्मेसी में भी इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग, बहुत सी डिजाइन इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं, तो इनमें वो जा सकता है। अगर इन दोनों ब्रांचों में, इंजीनियरिंग या मेडिकल में बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, तो फिर उसके बाद सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या बचता है, वो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिजिक्स अलग होके केमिस्ट्री बायो के साथ में बीएससी करें। बीएससी करने के बाद में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एमएससी करके उसके लिए रास्ते बहुत खुल जाते हैं, एक वो फील्ड कर सकता है, आजकल कोई समस्या नहीं है। बीएससी में बच्चों का रुझान कम हो रहा है इंजीनियरिंग और मेडिकल के कारण, लेकिन बीएससी हमारे यहाँ बेसिक नॉलेज है। साइंस में कोई भी ग्रेजुएट होएगा साइंस की किसी भी विधा के लिए, आपको जाने के लिए मेडिकल साइंस के लिए भी आपको बीएससी एक बहुत फायदेमंद है, इंजीनियरिंग में भी बीएससी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग के लिए बहुत मायने रखता है, जो बीएससी का छात्र बहुत अच्छे से कर सकता है, तो एक वो लाइन है।
कॉमर्स में आपके पास ऑप्शन की भरमार है, आपने कॉमर्स से बीकॉम किया है, बीकॉम में भी दो प्रकार के हैं, बीकॉम ऑनर्स भी होता है, बीकॉम प्लेन भी होता है, और एक होता है बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो तीन ब्रांचेस के साथ में आप बीकॉम किसी का भी चयन कर सकते हैं आपके आसपास के क्षेत्र में। कंप्यूटर एप्लीकेशन जो चुनता है उसको थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा कि जिस इंस्टीट्यूट का वो चयन कर रहा है वहां कंप्यूटर की आप जाके फिजिकल विजिट करके देख सकते हैं कि वहां पे लेबोरेटरी है और वहां पे जो फैकल्टी है उस फैकल्टी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे भी इंस्टीट्यूट देखे हैं जो बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन चला रहे हैं लेकिन उनके पास बाबा आदम के जमाने के कंप्यूटर हैं, आपको विश्वास नहीं होगा 2000 पहले का वर्षन है कंप्यूटर का, और वो भी 5-6 रख के वो खाली सैंक्शन करा लेते हैं, और कंप्यूटर एप्लीकेशन के नाम पे एक भी योग प्रशिक्षित शिक्षक ही नहीं है। वो उनके यहाँ जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, जो कंप्यूटर पे टाइपिंग करता है, कंप्यूटर में कॉलेजेस के काम करता है, उसके माध्यम से कंप्यूटर की काका गागा सिखाते हैं। ऐसा बच्चा अगर कॉलेज से BCA करता है, BCOM कंप्यूटर एप्लीकेशन करता है, तो आप सोच सकते हैं उसको कितना नॉलेज होगा। तो आप ऐसे इंस्टीट्यूशन की तरफ ज़्यादा फोकस ना करें, आप पता करें इंस्टीट्यूशन में जो BCOM कंप्यूटर एप्लीकेशन लेना चाहता है, भले ही आप BCOM ले लें प्लेन, लेकिन BCOM कंप्यूटर एप्लीकेशन ना लें। एक ये हुआ। तीसरा आपके पास आता है, तीसरी जानकारी जो मैं दे रहा हूँ, कला संकाय, जिसमें भीड़ रहती है बच्चों की। कला संकाय में भी आपके पास में 2-3 है। एक कला संकाय होता है जिसमें सिर्फ कला संकाय के विषय होते हैं, एक होता है ह्यूमनिटीज का जिसमें सामाजिक विज्ञान के विषय होते हैं। अभी जो नई हमारी शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें माइनर मेजर वोकेशनल सब्जेक्ट कर दिए, तो एक विषय आपको मेजर चुनना है। तो मेजर विषय आप कैसा चुनेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेजर विषय जो आप चुनेंगे वो आपको आगे बढ़ाएगा। तो आप देखिए, साइंस आर्ट्स कॉमर्स में ट्रेडिशनल कोर्स के अलावा नए कोर्स भी आजकल कॉलेजों में आ रहे हैं। तो कुछ इंस्टीट्यूशन में आपने देखा होगा आजकल नई जो है हाइब्रिड कोर्स दे रहे हैं। हाइब्रिड कोर्स इन दोनों सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ ड्यूअल डिग्री, हाइब्रिड यानी ड्यूअल डिग्री कोर्स है कि आप BA के साथ, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लागू हो गया आपके लिए कि आप इसके साथ कर रहे हैं, आप BA के साथ में कुछ प्रोफेशनल कोर्स कंप्यूटर का कर सकते हैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से, या फिर आप उसके साथ साथ जैसे आपने BSc इंजीनियरिंग का कोर्स करा है, इंजीनियरिंग के साथ आप BA के भी कोर्स ले सकते हैं, एक आध सब्जेक्ट सोशल साइंस के ले सकते हैं। ये हाइब्रिड कोर्स जो है, ड्यूअल कोर्स जो कहलाता है, ड्यूअल डिग्री कोर्स, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप ऐसा ही सुने, जैसे मैनेजमेंट के क्षेत्र में इस कोर्स की भरमार है, बहुत से कॉलेज हैं पुणे में, बंबई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, बेंगलोर में, इन कोर्सों की, ड्यूअल कोर्सों की है। अगर आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है तो आप ऐसे ड्यूअल या हाइब्रिड कोर्स को, डिग्री कोर्स को चुने, जो से आपको भी फ्यूचर में, भविष्य में आपको विदेश भी जाने का मौका मिलेगा। एक और बात करता हूँ आपसे मैं कि अभी आजकल कॉलेजों ने, कुछ कॉलेजों ने, कुछ शिक्षण संस्थानों ने कोरोना के कारण चेंज करा है। उन्होंने कहा है कि बड़े एकेडमिक विजन के साथ छात्र को आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए आप देखिए मैनेजमेंट स्कूल जो है, जितने भी मैनेजमेंट स्कूल है हमारे, उन्होंने न्यू नॉर्म्स टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया है कि इकोनॉमी को कैसे बदल सकते हैं, इकोनॉमी में नए नए रुझान कैसे ला सकते हैं। न्यू नॉर्म्स टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में न्यू नॉर्म्स टेक्नोलॉजी वाले कोर्स स्टार्ट किए हैं, क्योंकि न्यू नॉर्म्स यानी आपको संक्रमण से कैसे बचाएगा, संक्रमण के काल में या कोई प्राकृतिक आपदा या कोई वैश्विक आपदा आती है उसमें जीवन हमारा नए पैरामीटर के साथ आना चाहिए, वो कहलाता है न्यू नॉर्म, नए नॉर्म्स के अंतर्गत न्यू नॉर्म्स टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में स्टार्ट की गई है। तो आप देख रहे हैं इसमें बदलाव जो हो रहा है, इस क्षेत्र में एक नया विधा निकली है, नई नॉर्म्स निकले हैं, और इसको पालन करते हुए कॉलेज जो हैं आजकल एजुकेशन देने की तैयारी कर रहे हैं। आजकल वास्तव में क्या है, बदलाव ना केवल बदलाव सिर्फ इतना नहीं हो रहा कि आपने फैकल्टी बदल दी या इंफ्रास्ट्रक्चर बदल, नहीं, सीखने के तरीके को ही बदल रहे हैं। आज जो सीखने के तरीके भी बदल रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारी जो स्थापित शिक्षा इंडस्ट्री है, मैं उसको इंडस्ट्री भी कहूंगा कि इंडस्ट्री का रूप ले चुकी है हमारे शिक्षा संस्थान, स्थापित शिक्षा इंडस्ट्री में कई स्थापित धाराएं बदल गई हैं।
मैनेजमेंट स्कूल, न्यू नॉर्म्स आ रहा है टेक्नोलॉजी द्वारा, नए नए रुझान, नए नए बदलाव करे जा रहे हैं जिससे इकोनॉमी भी बदल रही है, नए ट्रेंड्स के अनुकूल विद्यार्थियों को तैयार कर रहे हैं। भारत में MBA के स्टूडेंट जो हैं, MBA जो करता है, MBA पास आउट होता है, वो अपने देश में रहना और पढ़ना पसंद करता है, पहले बाहर जाते थे, आजकल यहीं रह रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है स्टैंडर्ड के अनुरूप अपने नॉर्म्स में विद्यार्थियों को प्रभावित कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल नहीं बदल रहे हैं, मैनेजमेंट के जो हैं बेसिक प्रिंसिपल नहीं बदल रहे हैं, उनको लागू करने का स्वरूप बदल गया है। सभी विशेषज्ञताओं जितने भी स्पेशलाइज हैं उसमें सामान्य चिंतन बदल गया है, सामान्य चिंतन बदल गया है। इसलिए आप देखेंगे न्यू हमारी मजबूत होना चाहिए। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो मार्केटिंग की बेसिक बातें आपको जानना शुरू है। अगर आप मार्केटिंग नहीं जानते तो आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे? तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको सबसे पहले मार्केटिंग की बेसिक बातें जानना होगी। मैनेजमेंट सिखाने वाले टीचर को भविष्य में होने वाले परिवर्तनों का ध्यान रखना चाहिए, उसके अनुरूप वो शिक्षा दे, तो एजुकेशन की नई नई विधाएं डेवलप की जा सकती हैं। तो मैनेजमेंट में, एजुकेशन में जो चेंज हो रहा है वो तो कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में भी बहुत सा चेंज, इंजीनियरिंग में बहुत सी लाइनें आ गई हैं, मेडिकल में कई लाइनें आ गई, मैनेजमेंट में बहुत सी लाइनें आ गई हैं। आप देखिए ऑफलाइन क्लास के साथ साथ अब ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही है। साइंस की टेक्नोलॉजी थी ना कि ऑफलाइन की जगह उन्होंने ऑनलाइन कर दिया। तो अब लड़ाई जो है, अब हमारी जो शिक्षा व्यवस्था में लड़ाई हो रही है वो पर्सनल नहीं, पब्लिक हेल्थ के स्तर पर भी हो रही है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि कुछ कोर्स आपके लिए साइंस और कॉमर्स में तो बहुत कुछ है, आर्ट्स की स्ट्रीम के लिए बताता हूँ। मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू है उसके बाद जो ग्रेजुएशन का कोर्स हो रहा है BA का, इसमें आपको मेजर सब्जेक्ट, मेजर एक मेजर सब्जेक्ट चुनना है, एक माइनर सब्जेक्ट चुनना है और एक वोकेशनल, और आपके आधार पाठ्यक्रम जो है हिंदी अंग्रेजी योगा और पर्यावरण, ये आपके रहेंगे। अब इसमें पहले साल की शिक्षा में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अगर आप कंटिन्यू करते हैं अपनी शिक्षा तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, पत्रोपाधि। तीसरे साल में आप आते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी, और चौथे साल में आपको रिसर्च का काम करके आप फिर PG के लिए प्रवेश करेंगे। PG में फिर आपको एक साल करना पड़ेगा और उसके बाद PhD MPhil खत्म कर लिया। अब यहाँ पे जो है आपके 100 अगर स्टूडेंट पास होते हैं 12th में, 100 में से प्रोफेशनल स्टडीज में, अर्थात आपके इंजीनियरिंग लाइन, मैनेजमेंट लाइन, कॉमर्स और आपके मेडिकल साइंस में, इसमें जाते हैं अधिक से अधिक 35%। अब 65 बच्चे या 65% बच्चे हैं वो जाते हैं आर्ट्स स्ट्रीम में। मैं 100% प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर 100% एनरोल हो जाते हैं 12th में तो। हालांकि अभी ये रेशियो हमारे यहाँ काफ़ी कम है, 100% में से जो देखा गया है वो 15% के आसपास ही आ रहा है, क्योंकि जो 65% है उसमें 65% में भी आधे ही एडमिशन लेते हैं, बाकी प्राइवेट एग्जाम देते हैं, अपने रोजगार में लग के देते हैं। तो यहाँ पे आपको जो बात कर रहा हूँ मैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय, जो मेजर विषय की बात कर रहा हूँ, मेजर विषय में आपके साथ क्या है, हर कॉलेज में आपको उपलब्ध रहेगा समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, भूगोल के साथ मनोविज्ञान भी है, होम साइंस भी है, ये कुछ बेसिक सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स है, हिंदी लिटरेचर है, अंग्रेजी लिटरेचर है। तो विद्यार्थी जो भी एडमिशन ले रहा है, अगर आपको स्कूली शिक्षा में जाना है, अगर आप स्कूल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो आपको मैं कहूँगा, मेरा सुझाव है कि आप मेजर सब्जेक्ट के रूप में हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य को चुनें। तो हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य चुन के अगर आप ग्रेजुएट होते हैं, फिर PG करते हैं, तो आपको स्कूल में बेसिक सब्जेक्ट होने के कारण इसकी वैकेंसी निकलती रहती हैं। नहीं भी निकलेगी स्कूल कॉलेज में, संस्थानों में वैकेंसी, तो बहुत से संस्थान हैं जहां ट्रांसलेटर्स की भी जरूरत होती है, जहां ट्रांसलेटर के साथ साथ कम्युनिकेशन की बात होती है, तो हिंदी अंग्रेजी का शिक्षक ये काम कर सकता है। अब आ रही है बात इन दो विषयों के बाद बाकी विषयों में, तो देखिए इकोनॉमिक्स के अगर आप लेते हैं मेजर सब्जेक्ट, तो इकोनॉमिक्स से बेटर मैं कहूंगा आपको मैनेजमेंट और कॉमर्स में जो है वो फील्ड है इकोनॉमिक्स में, फिर आपको यहां उतना वो नहीं है, आपके उतने संस्थान नहीं मिलेंगे, कुछ गिने चुने संस्थान है इकोनॉमिक्स में, आप कॉलेज में जा सकते हैं, बाकी चीजों में आपको प्रॉब्लम जाएगी। पॉलिटिकल साइंस में भी यही चीज है, पॉलिटिकल साइंस अगर आप लेते हैं तो पॉलिटिकल साइंस को लेके आप अगर उसमें ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं तो आप कहाँ चले जाएंगे, स्कूल में भी मिलेगा जॉब,
और आपको कॉलेज में भी मिलेगा। इसके साथ साथ पॉलिटिकल एडवाइजर, पॉलिटिकल एनालिस्टिक, पंचायती राज, इसमें भी आपको एक सहारा मिल सकता है। रही बात इतिहास की, इतिहास में तो बहुत संभावना है। स्कूल कॉलेज टीचर के साथ साथ ऐतिहासिक लेखन होता है, आप राइटिंग का काम कर सकते हैं, प्रकाशन का काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपके लिए ओपन है मार्केट। फिर एक विषय आता है आपका भूगोल और मनोविज्ञान, ये दोनों विषय प्रैक्टिकल है। भूगोल में भी प्रैक्टिकल होता है, प्रायोगिक कक्षाएं होती हैं, और मनोविज्ञान में भी प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं। मनोविज्ञान में भी वही टीचिंग स्कूल में, और फिर काउंसलर भी बन सकता है, कई जगह जा सकता है। भूगोल में स्कूल शिक्षा में जा सकता है, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इसका मिलेगा, लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं ऑनलाइन कोर्सेस में, ऑनलाइन में बच्चा प्रैक्टिकल में उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता, तो आप देख रहे हैं कि भूगोल में बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। मैं मना नहीं कर रहा, आप लीजिए, लेकिन भूगोल विषय में प्रॉब्लम हो रही है। तो बच्चों ने अभी पिछले साल और इस साल की तुलना में आप कंपेयर करेंगे, भूगोल में एनरोलमेंट हर जगह घटा है, भूगोल विषय में एनरोलमेंट नहीं हो रहा। क्यों? प्रैक्टिकल की प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? टीचर्स भी कॉलेज नहीं आ रहे हैं, और ऑनलाइन आपको उतना अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन अभी नहीं करा पा रहे, उतने अच्छे ऐप भी नहीं है कि बच्चा सीख सके, ऑनलाइन प्रैक्टिकल में इन्वॉल्वमेंट कर सके, सीख सके। दूसरी चीज आपको बताता हूं, अब आपके पास सबसे महत्वपूर्ण विषय जो बचता है वो बचता है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र एक बेहतरीन विषय है आर्ट्स स्ट्रीम के लिए, सोशल साइंस में करने के लिए। समाजशास्त्र का विद्यार्थी जो है सोशियोलॉजी विथ मीडिया एक कोर्स कर सकता है, सोशियोलॉजी विथ प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी विथ एनवायरमेंट, सोशियोलॉजी विथ फीमेन स्टडीज, सोशियोलॉजी विथ रूरल स्टडीज, सोशियोलॉजी विथ ट्राइबल स्टडीज, सोशियोलॉजी विथ मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी विथ हॉस्पिटल रिलेशन, सोशियोलॉजी विथ मार्केटिंग, सोशियोलॉजी विथ फाइनेंसिंग, सोशियोलॉजी विथ स्पोर्ट, ये ढेरों कोर्स हैं। आजकल कई जगह इस प्रकार के डिप्लोमा कोर्सेस चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी कुछ संस्थानों में है, मध्य प्रदेश के बाहर भी। सोशियोलॉजी विथ म्यूजिक भी है, ऐसा कोई भी, सोशियोलॉजी विथ एग्रीकल्चर है, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे समाजशास्त्र ही सोशल साइंस का या आर्ट्स की स्ट्रीम में एकमात्र इकलौता ऐसा विषय है जो जिसकी बाउंड्रीज लेस है, जो सीमा रहित है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आप सब जगह जाएं, मेडिकल कॉलेज में भी, नर्सिंग में, बीएससी नर्सिंग, पीपीटी फिजियोथेरेपी में भी फर्स्ट ईयर में आपको सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती है। डॉक्टर मरीज के रिलेशन कैसे होंगे, हर डॉक्टर को, हर नर्स को, हर फिजियोथेरेपिस्ट को समाजशास्त्र को जानना बहुत जरूरी है, समाज को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए उसको समाजशास्त्र का अध्ययन कराया जाता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किसान के साथ आपके कैसे संबंध होंगे, ग्रामीण समाज से आपका क्या संबंध होगा, वहां भी समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है। देश की सारी IITs में, चाहे रुड़की हो, मुंबई हो, कानपुर हो, दिल्ली हो, सब जगह समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है। फैशन IITDM वगैरह में भी समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है। आप डिजाइनिंग कैसे करेंगे, समाज के लिए डिजाइनिंग करेंगे ना, टेक्नोलॉजी किसके लिए लाते हैं, आप समाज के लिए लाते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, समाज के हिसाब से करना होगा, तो सामाजिक मुद्दों पे, सामाजिक वरीयता के कारण समाजशास्त्र को रखा गया IITs में है। मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट आप किसके लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं ना, आपको मैनेजमेंट समाज के लिए करना है। जब समाज के परिपेक्ष में मैनेजमेंट करेंगे, अगर आप समाज को नहीं जानते तो आप मैनेजमेंट क्या करेंगे, बिना समाज को जाने अगर आप मैनेजमेंट करेंगे तो वो फेल होगा। ये ठीक वैसे होगा जैसे हम गांव में गए बिगर ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं लॉन्च कर देते हैं, कहां, दिल्ली के 5-स्टार होटल में AC कमरे में बैठ के, जिसने ग्रामीण समाज को देखा ही नहीं, वो AC कमरे में बैठ के अगर योजना बना रहा है, उस योजना का फलीभूत होना आप खुद ही समझ सकते हैं कितना सक्सेस होगा, उसकी सक्सेस रेट कितनी होगी। एक और है, देखिए आप मैनेजमेंट के बाद आपको एक और फील्ड बताता हूं, स्पोर्ट्स, BPED MPED करते हैं बच्चे, वहां भी समाज को जानना है, सामाजिक प्रवेश, प्रतिस्पर्धा क्या होती, सहयोग क्या होता है, समिति कैसी होती, अनुशासन क्या, ये सारी चीजें समाजशास्त्र में सिखाई जाती है बच्चे को। अर्बन सोशियोलॉजी, नगरी समाजशास्त्र, ग्रामीण समाजशास्त्र, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सारी चीजें समाजशास्त्र का प्रमुख विषय है। समाजशास्त्र के साथ ये इतने सारे विषय जुड़े हुए जो मैंने आपको बताया, और भी हैं,
इनको अगर आप जोड़ेंगे इनके साथ समासा, तो इसके लिए पहले आपको बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बेसिक ज्ञान, जैसे मैंने आपको बताया ना, मैनेजमेंट में बेसिक प्रिंसिपल नहीं बदलते, हाँ उसको लागू करने के तरीके बदलते हैं, ऐसे ही आपको बेसिक समासास आपने अगर अध्ययन कर लिया और बेसिक समासास का आपको नॉलेज हो गया, ज्ञान हो गया, तो आप आगे कहीं भी बढ़ सकते हैं। यहां आज आपके साथ मैं चर्चा कर रहा हूं कि समासा जो है उसके बेसिक ज्ञान बहुत जरूरी है, इसलिए ग्रेजुएशन में 12th पास करने के बाद में आप समाजशास्त्र लेंगे। एक और फील्ड बताता हूं, आपने देखा होगा राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राजनीतिक समाजशास्त्र एक विषय है जिसमें राजनीति के सारे पहलुओं को जाना जाता है, राजनीति के सारे पहलुओं को समझा जाता है। और पॉलिटिकल का क्षेत्र तो आप देखें, राजनीतिक क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, नेताओं की जवाबदेही बढ़ती जा रही है, नेताओं की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, तो वो इस परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं, तो उनको भी जानकारी जरूरी है। जो समाजशास्त्र का विद्यार्थी होता है आप देखेंगे बहुत अच्छे से सामाजिक परिवेश में काम कर लेता, अपना राजनीतिक करियर उसका निरंतर ऊपर चढ़ता जाता है। चुनावी विश्लेषण करना, पार्टी किसको टिकट दे, पार्टी कैसे चुनाव जीत सकती है, ये इसको जानने के लिए समाज का ज्ञान जरूरी है। अगर राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को सामाजिक ज्ञान नहीं होगा, वो कभी भी चुनाव नहीं जीत सकते। सोशल वो रणनीति बनाना पड़ती ना, सामाजिक रणनीति बनाना, वो कौन बनाएगा? समाजशास्त्र का विद्यार्थी बनाएगा ना, मैनेजमेंट का विद्यार्थी नहीं बना सकता, भूगोल का विद्यार्थी नहीं बना सकता, राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी नहीं बना सकता, हिंदी का विद्यार्थी नहीं। हाँ, जो समाजशास्त्र का विद्यार्थी है वो सामाजिक रणनीति, सामाजिक योजना बनाने में बहुत ही परफेक्ट है। तो समाजशास्त्र के विद्यार्थी के लिए ग्राम पंचायत में भी जॉब है, नगरीय निकाय में जॉब है, यूपीएससी पीएससी में जितने भी प्रशासनिक पद निकलते हैं उनमें जॉब मिल सकता है, मैनेजमेंट में मिल सकता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जॉब मिल सकता है, ऑनलाइन कोर्सेज आपके ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन मार्केटिंग में सोशियोलॉजी को अगर जोड़ेंगे आप, तो आप देखेंगे अपने आप ऑनलाइन मार्केट बहुत बढ़ेगा। प्रकाशन के क्षेत्र में है, स्कूल कॉलेज में आपके टीचर बन सकते हैं, स्कूल में है, कॉलेज में है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में बन सकते हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में बन सकते हैं, स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स एकेडमी में भी सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती है, वहां भी आप जा सकते हैं। और एक और क्षेत्र है जिसकी आपके साथ चर्चा करूंगा, अगर आप समाजशास्त्र पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, विधि का समाजशास्त्र, तो जितनी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं या लॉ कॉलेजेस है वहां भी समाजशास्त्र विषय पढ़ाया जाता है, क्योंकि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही न्याय होता है। समाज की अवधारणा को जाने मने, समाज को समझे बिना हम न्याय नहीं कर सकते, तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक अवधारणा जाने बिना न्याय नहीं कर सकते। एक न्यायमूर्ति वकील को अपने समाज के बारे में मालूम होना चाहिए, सामाजिक परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक रूढ़ियों का ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक नीतियों का ज्ञान होना चाहिए, प्रथा परंपरा सभी जानना जरूरी है। तो लॉ के क्षेत्र में भी, विधि के क्षेत्र में भी समाजशास्त्र के लिए संभावना है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि आपको बड़े एकेडमिक विजन के साथ आगे बढ़ना है। 12th पास विद्यार्थी जो भी हैं, पहले जैसा जमाना नहीं रहा, बदलाव हो गया, काफी आगे बढ़ गए हैं, आपकी सोच बड़े एकेडमिक विजन वाली होना चाहिए। और आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट चुने, एक ऐसा कोर्स चुने, एक ऐसा पाठ्यक्रम चुने जो आपको क्वालिटी एजुकेशन देने के साथ साथ फ्यूचर भी आपका डेवलप करे। इसलिए साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, प्रोफेशनल स्टडीज के साथ साथ समाजशास्त्र जो है सोशल साइंस में या आर्ट्स में, समाजशास्त्र ये प्रोफेशनल स्टडीज के लिए बहुत से पाठ्यक्रम, बहुत से सर्टिफिकेट कोर्स उपलब्ध कराता है। भाषा में भी है समाजशास्त्र, भाषा का समाजशास्त्र, ये सारी फील्ड हैं, बहुत सी मैंने आपको बताई जिसमें और भी हैं। तो अगर इनको आप चुनते हैं, समाजशास्त्र विषय चुनिए, समाजशास्त्र विषय लेंगे, निसंदेह आपके लिए संभावनाएं जो है खुलती चली जाएंगी, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो विद्यार्थियों, जो भी इस फील्ड में आ रहा है, 12th के बाद आप विषय का चयन कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के करें, अपनी योग्यता, अपनी पसंद और अपने संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर करें तो बेटर होगा। मैंने आपके पास कुछ ऑप्शन रखे, आर्ट्स स्ट्रीम के लिए समाजशास्त्र को बताया कि आप इसको मेजर सब्जेक्ट के रूप में चयन कर लेंगे, आपको कहीं कोई समस्या नहीं जाएगी। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही।